स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमारा कम्युनिटी लाइव है आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद हम कर रहे हैं इसको। और अपॉलोजीज, मैं उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा आप सबको। रमज़ान की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आई ट्राई माई बेस्ट बट उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इंशाल्लाह से वी विल बी टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम, अदर ऑल्ट्स और मार्केट के ओवरऑल सिनेरियोज, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं मार्केट के रिलेटेड उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और ओवरऑल कम्युनिटी की कुछ अपडेट्स मैं देता चलूँ, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनके लिए भी, जो लाइव यहाँ पे हैं उनके लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, 500 मेंबर्स हमने हिट कर लिए हैं, बट विद अ हेल्दी ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि बस किसी को भी लिंक दिया और आप आ जाओ। नो, ही विल सेंड मी अ मैसेज और नंबर, उसके साथ वो मुझे इंट्रोडक्शन देगा, कहाँ से है, क्या करता है, उसकी फील्ड क्या है। सो देन आफ्टर दैट व्हेन आई नो हिम प्रॉपरली ही विल कम टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर यूट्यूब से भी कोई देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाता है। तो आपने सिंपली जो है विद दैट क्राइटेरिया ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और जहाँ तक फेसबुक ग्रुप की बात है, हमारा माशाल्लाह से 1.5K मेंबर्स वहाँ पे भी कंप्लीट हो गए हैं। उस पर मैं उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन आप सबके लिए मॉडरेटर भी ऐड हो गए हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह से चीज़ें थोड़ी सी एक्टिव होना शुरू होंगी विद टाइम। ठीक है, और लास्टली जो हमारा माशाल्लाह से डिस्कॉर्ड है ग्रोइंग स्लोली, बट उसमें भी डेफिनेटली वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी हमने रखा हुआ है ताकि बॉट्स ना आए और फेक अकाउंट्स ना आए उस तरह से ना। कुछ लोग आए थे जिन्होंने थोड़ा सा इनकन्वीनियंस क्रिएट किया था, इंडस्ट्री में हैं बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, तो अपने भी ख्याल रखना है। ठीक है, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, जो न्यू स्पेशली दोज हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, उनको नहीं पता कि कौन स्कैमर है कौन रियल है। ठीक है, तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि हमारी टीम में इस वक्त हम 4 लोग हैं, मी, बिलाल, अरहम एंड उमर। उमर ऑल्सो ज्वाइंट द सेशन हेयर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और हम कभी भी आपको फर्स्ट डीएम नहीं करेंगे। तो याद रखना है, अगर आपको कोई भी मैसेज करता है इस तरह से, किसी भी तरह की सर्विसेज ऑफर करता है, आपने रिस्पॉन्स नहीं देना उनको, वो एक स्कैमर है। ठीक है, क्योंकि आई विल नेवर टेक्स्ट यू फर्स्ट। जिनके इनबॉक्सेस रहते हैं वो इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूंगा आज रात, हो सका तो या सुबह फजर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वो कवर हो जाएं। ठीक है जी, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और बस ये कुछ अपडेट्स थी कम्युनिटी की। लास्टली हमारा जो बैच 5 है माशाल्लाह से एंड हो गया है, हमारा बैच 6 स्टार्ट हो गया है। थर्ड लेक्चर माशाल्लाह से आज हो गया है, माइंडसेट तक हम पहुंच गए हैं। और मैंने थोड़ा सा पैटर्न में भी चेंजेस किए हैं, और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि आने वाला बैच जो है वो प्रीवियस से बेहतर हो, तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह बैक एंड पे। ठीक है, सो ये कुछ अपडेट्स हैं ओवरऑल कम्युनिटी की। तो अब हम प्रोसीड करेंगे, होपफुली सब क्लियर होगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, काइंडली कंफर्म कर दें चैट में, सब क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, और फिर हम जाएंगे चार्ट्स पे उसके बाद। ओके, सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट मैं ओपन करूंगा, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर, परफेक्ट। सो प्रोसीड करते हैं सेशन को। लेट्स रिमूव दिस वन। कुछ क्वेश्चंस भी थे प्रीमियम मेंबर्स के भी, कुछ क्वेश्चंस थे तो वो भी हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे लाइव सेशन में ही, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे लाइव चार्ट पे बिटकॉइन के। बिटकॉइन का 1 डे चार्ट है, और इस पे हमने जो है थोड़ा सा डिस्कस करना है मार्केट्स को। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा ये चार्ट, ठीक है, इसको मैं रिमूव नहीं करूंगा, विल एनालाइज द चार्ट ऑन डिफरेंट पेयर्स, कोई इशू नहीं है। बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट देख लेंगे। ये मैंने एनालिसिस कुछ शेयर किए थे, इस रेंज के, रेंज ब्रेक हो गई टू द अपसाइड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आफ्टर दिस रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन तो इसको तो खैर बहुत टाइम हो गया, आई डोंट नीड टू शो दैट स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, FOMC की मीटिंग आप सबको याद होगी, जो लिक्विडिटी मैंने मेंशन की थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दिस वन।
लिक्विडिटी स्वीप ये वाला मीटिंग के बाद हुआ था ये, ठीक है वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद जो है ये दो ट्रेड्स 50% टेक प्रॉफिट, उसके बाद डाउन साइड मूव आई प्रीमियम में, हम ट्रेड करते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं पर्सनली खुद उस तरह से ट्रेड नहीं कर पाता चीज़ों को इंट्राडे पे, ज़्यादातर स्विंग्स और पोजिशनल होती हैं। आप सबको पता है मेरी इन्वेस्टमेंट्स तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जितनी भी बाइंग्स होती हैं जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आप सबसे शेयर कर दिया करता हूँ। जब भी डंप आया अल्हम्दुलिल्लाह हमने वी फिल्ड आवर बैग्स, ठीक है, तो उस तरफ से आपको कोई इशू नहीं होगा लाइफ टाइम इंशाल्लाह, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू देयर। चलें प्रोसीड करते हैं। ओके थोड़ा सा चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे, डेली का टाइम फ्रेम ही देखेंगे। इसको भी मैंने टच नहीं किया, ज़्यादा छेड़ा नहीं है, जो है बस वही चल रहा है, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक डाउन साइड मूव, लेट्स सी, नॉट दिस वन, मैं गलती से कोई और खोल दिया, ये वाला चार्ट है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक डाउन साइड मूव यहाँ से और इन कीज तक, तो ऑल्ट्स में हम रैलीज देख सकते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, क्योंकि हम सप्लाई पे हैं। अगर हम देखें ना प्रॉपर तरीके से तो वीकली सप्लाई पे हैं हम, और बहुत स्ट्रांग है ये लेवल। तो बिटकॉइन में हम करेक्शन के साथ साथ, अगर करेक्शन भी नहीं भी आती कंसोलिडेशन के साथ साथ ये अगर डंप होता है तो ऑल्ट्स में अच्छी रैली आएंगे, ठीक है। सीएमई देख लेते हैं, सीएमई हमने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था, क्या हमारे डिसीजंस थे, क्या थॉट्स थे हमारे, इस पे वो बात कर लेते हैं। देखें सीएमई पे मैंने आप सबसे शेयर किया था, ठीक है, पोस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी। ये प्रोबेबिलिटी थी डाउन साइड मूव की आफ्टर द एफओएमसी मीटिंग, इफ़ यू रिमेम्बर दैट। ये सीएमई मैंने विद स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया था कि ये फिल हो गया है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर का। उसके बाद जो है डेफिनेटली अपसाइड मूव तो आई, लेकिन वी हैव इम्बैलेंस डाउन एयर ये, ठीक है। तो सूनर और लेटर सीएमई गैप्स आर फिल्ड, कुछ भी कर लें। जो ओल्ड मेंबर्स हैं ग्रुप के उन सबको ये सीएमई गैप तो बहुत अच्छे से याद होगा, मल्टीपल टाइम्स इसका जिक्र किया जब हम यहाँ पे थे तब भी, ठीक है। तो ये लिक्विड यहाँ से पंप आना चाहिए था इस लिक्विडिटी स्वीप का, ये जो हाइस्ट है ना, आई हैव मेंशनड इन मेनी लाइव सेशंस, तो लेट हो गया थोड़ा सा, बट खैर इट्स फाइन। विल मूव ऑन नाउ टू द न्यू चार्ट और बात करेंगे अपकमिंग वीक का क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी यूएसडी का चार्ट ओपन करूंगा मैं यहाँ पे, और जैसे कि आप सबको पता है कि इसको हमने थोड़ा सा लाइव इस तरह से देखा भी था, हम ड्राइंग्स को हटा देते हैं। ओके वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, ज़रा देखेंगे प्रॉपर तरीके से एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हो सकती हैं, हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डेली के टाइम फ्रेम पे कोरिलेशन देखना चाहूंगा, वेट ये स्टिल सेम है, ठीक है। ये देखें हाईज एंड लोज मैंने मार्क किए हुए हैं, ये एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे। और बिगर पिक्चर पे देखें तो यूएसडीटी डोमिनेंस में एक फॉलिंग वेज भी बन रहा है, ठीक है। तो हम दोबारा से आते हैं बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे और डिस्कस करते हैं मार्केट को थोड़ा सा इन डेप्थ। ओके अच्छा, तो अभी के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, वो थॉट्स सेम है, ठीक है। जैसे लास्ट मार्केट अपडेट में मैंने हायर टाइम फ्रेम पे बताया था ना, जो सेम थॉट्स हैं, 20,000 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा उसकी जो लॉजिक है बिहाइंड दैट वो भी मैंने शेयर की हुई है, तो मैं उसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल से कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। देखें प्रीवियस डेली हाई जो है वो ऊपर की तरफ ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, ठीक है। और अगर हम प्रॉपर रेंज की बात करें ना, प्रॉपर रेंज की, तो हम ज़रा 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी कि रेंज कहाँ पे है बिगर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। प्रीवियस वीकली हाईज एंड लोज अगर हम इसको अलाइन करना चाहें और प्रॉपर इंट्राडे रेंज की बात करें तो वो ये है फिर, ठीक है। ये एक रेंज है, इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और ये एक छोटा सा SFP हम इसको कहेंगे, स्विंग फेलियर पैटर्न। इसको फुल स्क्रीन पे मैं लाता हूँ, अब मैं आपको अपनी प्रोबेबिलिटीज बताता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फॉर नाउ दे आर डन विद द शॉर्टर्स, ठीक है। जितने भी शॉर्ट्स थी ना,
यहाँ पे जो शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस थे वो कवर अप हो गए हैं, वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। मार्केट ने जो एक्सपेंशन करनी थी टू द अपसाइड, ठीक है, इस एरिया से वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये है कि डाउन साइड मूव आए, और वो भी मार्केट फेजेस का ही कन्फ्लुएंस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। लुक एट दिस डाउन साइड एक्सपेंशन हम एक्सपेक्टिंग, रेंज लोगों हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रीमियम ने बिलाल ने शेयर भी किया था, और इफ़ यू आर देयर, ओवरऑल बिलाल संभालते हैं वो सारी चीज़ें, ट्रेड वगैरह जितनी भी हैं, माशाल्लाह गोइंग वेल इंशाल्लाह। मंथली जो फेब्रवरी और मार्च की जो मंथली रिपोर्ट है ना वो हम रेडी करेंगे, अभी एंट्रीज में ओपन करूँगा फर्स्ट के बाद, 1 तारीख के बाद, तो हम इंशाल्लाह रिपोर्ट शेयर करेंगे, एजुकेशनल कंटेंट कितना हमने कवर किया और बाकी चीज़ें। खैर मूविंग ऑन टू द पॉइंट, अच्छा तो हाइज को हमने स्वीप किया टू द अपसाइड, ठीक है। अब नीचे की तरफ याद रखें एक चीज, वेन एवर दे आर डन विद द शॉर्टर्स दे विल ओपन शॉर्ट पोजिशंस, न्यू शॉर्ट पोजिशंस, वेल्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट मेकर की बात कर रहा हूँ, वेन एवर दे आर डन विद द लॉन्ग्स दे विल ओपन न्यू लॉन्ग्स, ठीक है। ये टर्म याद रखें, और ये वो चीज़ है जो सालों की बात है, ये एक दिन में 2 दिन में आपको यू कांट पिक दैट, ठीक है। तो आपको मिल गई है, फायदा उठाएं इस अपॉर्चुनिटी का, अंडरस्टैंड करें इस पे, थोड़ा सा काम करें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर हो गया होगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा तो यहाँ से जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक डाउन साइड मूव, ठीक है, मार्केट से। सो कितनी डाउन साइड मूव आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे चार्ट्स हैं, ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम 24,800, ठीक है, 24,800 लेवल्स, ये लेवल्स जो हैं ये मैं बताता हूँ आपको, ये ठीक है, ये जो लॉन्ग्स हैं यहाँ से ये लेवल, ओके 24,800 के अराउंड ये जो लेवल्स हैं, यहाँ से लेके 25,000 डॉलर्स, और ये तो मैंने अपडेट में मेंशन किया था ना, यहाँ देखें जब आप डिस्कॉर्ड पे आते हो ना डेली अपडेट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे इस अपडेट में मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, 25 to 24,000 डॉलर, लाइक अप्रॉक्स मैंने बता दिया कि ये एरियाज में एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, और स्टिल पॉसिबल है, ओके। और बिगर पिक्चर पे वी आर बेरिश स्टिल, जो थॉट्स हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं, आई विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, अभी के लिए वी कैन कम डाउन, ठीक है, और इस रेंज लो तक हम आ सकते हैं, तो रेंज लो तक आने के बाद हमारा यह एक यहाँ पे लोअर लो बन जाएगा, एक न्यू लोअर लो बन जाएगा, जो मार्केट यहाँ पे बुलिश हुई है ना वो बेरिश हो जाएगी टू द डाउन साइड, क्यों, मार्केट में उस तरह से स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है, आई डोंट थिंक कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। लुक एट दिस, लुक एट द वॉल्यूम डिक्रीज, और ओवरऑल स्पाइक्स आपको नजर आ रही होंगी कि हो क्या रहा है उसमें, ठीक है। तो इंटरनली छोटा सा लोअर लो लोअर हाई, ये छोटा सा रिलीफ आएगा, ठीक है, आप लोग फिर बुलिश हो जाओगे, जितने भी रिटेलर्स हैं, मैं खुद एक रिटेलर हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक, ओके, और आप लोग सब बुलिश हो जाओगे, प्राइस विल कम डाउन, प्ले स्मार्ट, ठीक है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से आएगी प्राइस नीचे, अचानक से ड्रॉप नहीं करती प्राइस, और अगर करती है तो पैराबोलिक मूव्स का नतीजा क्या होता है, व्हाट कम्स फास्ट गोज दैट फास्ट। तो काइंडली जरा कंफर्म कर दें यहां तक सब चीजें क्लियर हैं, किसी का कोई सवाल तो नहीं है इसके रिलेटेड, बिटकॉइन के जो इंट्राडे थॉट्स मैंने शेयर किए हैं यहां तक क्लियर है, ओके। सो इसके लिए मैं आपको जरा कोरिलेशंस पे भी ले जाता हूँ, इथीरियम चूंकि सिल्वर की तरह, जैसे सिल्वर गोल्ड को रिकन्फर्म करता है, बिटकॉइन को रिकन्फर्म करता है, इथीरियम को भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इथीरियम पे यहाँ पे एक इंट्राडे का चार्ट है, इथीरियम के किसी और चार्ट पे जाता हूँ, कुकॉइन, ओके, इथीरियम क्या कर रहा है, इथीरियम सेम उसी तरह से रेंज लो तक आने की प्रोबेबिलिटी है, यस बिल्कुल है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ अ वैलिड शार्क पैटर्न ऑल्सो, यस ऑलमोस्ट, ठीक है, लॉजिकली देखा जाए ऑर्डर ब्लॉक से गया तो ठीक है, और यूएसडीटी डोमिनेंस को देख लेते हैं, ऑपोजिट, हाँ
हाँ यहाँ पे देखें क्या हो रहा है इंटरनली, यूएसडीटी डोमिनेंस अब यहाँ पे ये करेगी, देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इंटरनली, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, हायर लो बनेगा यहाँ पे, इस एफवीजी को फिल करेगा, छोटा सा एफवीजी है यहाँ पे, और यहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी बन रही है मोस्ट प्रॉबेबली, यस बन रही है, ठीक है, और ये यहाँ से पंप कर जाएगा। तो बिटकॉइन में वहाँ पे क्या होगा, बिटकॉइन में मैं बताता हूँ क्या होगा, बीटीसी यूएसडी, ओके, बिटकॉइन में यहाँ पे ये लोअर हाई कंप्लीट होकर लोअर लो बन रहा होगा, ओके, सो ऑपोजिट चार्ट्स हैं, वर्क करते हैं बिल्कुल अच्छे से, वर्क करते हैं स्ट्रांग हैं, यही थॉट्स हैं अभी के लिए, हम नीचे आ सकते हैं, मैं शॉर्ट नहीं करता वरना मेरी शॉर्ट यहाँ से ओपन हो जाती, ठीक है, मैं आपको एक मैसेज भी दिखाता हूँ, वेट मैं आपको एक मैसेज भी दिखाता हूँ फ्रॉम अ स्टूडेंट प्रीमियम में, यहाँ से हमने जो है करवाया था इसको, हम प्रोबेबिलिटीज जरूर शेयर करते हैं लेकिन खुद मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता, ठीक है, ओके लुक एट दिस, यहाँ पे कैन वी शॉर्ट दिस पोंजी दिस वन, ये देखें, ठीक है, तो अभी स्टिल हम, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, स्टिल हम डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमने इसको मल्टीपल टाइम ट्रेड किया है, इन सारी मूव्स को मल्टीपल टाइम ट्रेड किया है, ठीक है, एक भी स्किप नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सो यही है अभी के लिए, होपफुली सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, मैं ज़रा सा कुछ ऑल्ट्स हैं उस पर लुक इन टू इट, ठीक है जी, चलें मैं प्रोसीड करता हूँ सेशन को, और कुछ ऑल्ट्स हैं जिसपे शायद सेम क्वेश्चन हो आपका भी, तो वो मैं ज़रा कवर कर लेता हूँ, नुमान का क्वेश्चन था, ओके दिस वन, मेटिक सुशी ईओएस, ओके इसको ज़रा कवर कर लेते हैं, मेटिक ओके, बाय द वे रिटेलर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल भी फॉलो करना छोड़ दें बस, ये देखें ये हमने रिसेंटली जब मैं बैच 5 के जो मैं लाइव ट्रेड्स करवा रहा था, हमने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड किया इसको, ठीक है, एंड गॉन वेल, प्राइस उसी तरह से गई है, तो मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ, ड्राइंग्स को हटा देते हैं, ठीक है, क्लीन, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, और नुमान ने पूछा है कि मैटिक में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो मैटिक तो अभी स्टिल इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बुलिश है, इंटरनली कैसे बुलिश है वो भी मैं बताता हूँ, एक्सटर्नली भी बताता हूँ आपको, बिल्कुल ठीक है, हायर लो कंप्लीट, पुल बैक हो चुका है, इंटरनली इसने ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया, कैसे, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इसको देखते हैं, इसमें अंदर एक और स्ट्रक्चर है, जैसे ही आप 4 आवर पे आ जाओगे ना तो आपको एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है, देन विल मेक अ हायर हाई न्यू अ न्यू हायर हाई, और मेटिक ओवरऑल बुलिश है इन माय ओपिनियन, क्योंकि बैक एंड पे मेटिक पे फंडामेंटल्स उसके स्ट्रांग है इस वक्त, और लास्ट उनका जो मेन नेट है वो भी लॉन्च कर रहे हैं ना द लास्ट वन, तो इंशाल्लाह से वो भी क्लियर हो जाएगा, जी, मैं देखता हूँ बाकी के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, ठीक है, ये कवर कर लें, सुशी सुशी पे हम आते हैं, सुशी यूएसडीटी, ओके सुशी यूएसडीटी जो है ओके, नुमान ने कहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नुमान आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप अगर सेशन में नहीं भी हैं रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो देर इज नथिंग रॉन्ग विद होल्डिंग दीज, ठीक है, मेटिक भी और सुशी भी, अगर आपके पास डीसीए की अमाउंट है, ईओएस, ये सारे जो भी आपने प्रोजेक्ट्स पकड़े हुए हैं ना ये होल्डिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेवरेट है, ये अच्छा, ये फेवरेट वो है जो मुझे बस प्रॉफिट देता है, बस खत्म बात, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैंने मल्टीपल टाइम शेयर किया हुआ है आपसे ईओएस का, कि ये लॉन्ग टर्म बुलिश है,
ठीक है, एक एक्सचेंज है, बुलिश एक्सचेंज उसका नाम होगा, जो कि लॉन्च होगा, और दे विल यूज मैटिक, दे विल यूज ईओएस, नॉट मैटिक, ईओएस फॉर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के लिए वो यूज करेंगे, तो इट इज गोना बी अ गुड वन। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, मैं आप सबके क्वेरीज लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें। ईओएस क्यूटीवाई, ओके, फर्स्ट टाइम नाम सुना है इसका मैंने। इस पे प्राइस एक्शन अभी उस तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी मैं होल्डिंग रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, आई विल बी क्लियर हेयर, एल्गो, फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे आपने, लुक्स लाइक कि आपने बाय किया है, क्योंकि आपने कहा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, आप ब्रेक इवन पे हो। इसमें एक रेंज बनने जा रही है, शुरू हो रही है अभी। ठीक है, आपका रेंज हाई ये रहेगा, रेंज लो आपका ये रहेगा, और वो रेंज जो है वो फिलहाल एक हार्मोनिक भी बना रही है ऊपर की तरफ, तो यू कैन होल्ड दिस वन। बिटकॉइन अगर कंसोलिडेट करता है और डोमिनेंस रिजेक्ट होती है ना, तो जो प्रोबेबिलिटी मैंने शेयर की है वो यही है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, तो वेट कर सकते हैं इसमें भी। ठीक है, इट्स अ गुड वन, प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, मतलब एक आध प्रोजेक्ट होता है ना कि छोटी सी ब्लीड से जो है बर्बादी करता है, तो ये वो उनमें से नहीं है उस तरह से। इसका प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। ठीक है, या तो इट्स वर्थ होल्डिंग दिस वन, ओके। और ये जो आपने क्वेश्चन किया है उसका, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, LQYT का या TY का, ठीक है, ह्यूमन एरर, LQTY का जो आपने क्वेश्चन किया, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा होल्ड करना, क्योंकि इसके बारे में मैं पर्सनली नहीं जानता, तो इस पर मैं आपको ओपिनियन नहीं दे सकता। ठीक है, अच्छा चलें प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को, और चलते हैं टू द नेक्स्ट वन, BNX ऑन लोअर टाइम फ्रेम, ओके, BNX। BNX को हम थोड़ा सा डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम पे देखना मस्ट है, इसको लोअर टाइम फ्रेम से काम नहीं चलेगा, और इसका मैं बाइनेंस चार्ट तो बिल्कुल नहीं खोलूंगा। ओल्ड एक्सचेंज पे चलते हैं किसी पे, ओके, गेट डॉट आयो, होल्डिंग में होल्ड रखें इसको। ठीक है, ये अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले वक्त में, लुक्स लाइक इट विल वर्क वेल इंशाल्लाह। ठीक है, और इस पे जो है हम देखें तो प्रोबेबिलिटी तो अच्छी बन रही है इसमें, ओके, और फॉलिंग वेज नहीं बना रहा, मैं लिक्विडिटी को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, वेट कर लें थोड़ा सा, ओके, ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स यहाँ से ओपन हुए हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ऊपर की तरफ तो आ सकता है। टारगेट्स क्या हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने होल्ड किया हुआ है डेली 4 आवर टाइम फ्रेम में, फर्स्ट एक प्रॉफिट एरिया ये स्वीप होगा, ठीक है, इसको मैं स्किप करूँगा, गोल्डन पॉकेट, यस, 886, यस, यहाँ तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और जिस तरह से इसने मूव ली है, द वे इट इज मूविंग टू द अपसाइड, इसको मैं थोड़ा सा मजीद भी देखना चाहूँगा। 0.618 को इसने क्रॉस किया है, गोल्डन पॉकेट को क्रॉस किया, इसने यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होगा, और वो ब्रेकआउट कॉज करेगा
ये हार्मोनिक ओके गार्टले गार्टले इसको कॉज करेगा, और ब्रेकआउट के बाद इसमें रीटेस्ट भी आएगा, ठीक है 7-8, और रीटेस्ट आएगा गोल्डन पॉकेट तक, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेवल। तो होल्डिंग पे रखें इसको इंशाल्लाह, ठीक है ये अच्छा परफॉर्म करेगा, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी करेगा क्योंकि हार्मोनिक का कॉन्फिडेंस है इसमें तो स्ट्रांग है। ओके इसको अगर हम देखें एक बार, इसको ब्रेकआउट कर देना, ये इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर की तरफ, दोबारा रिक्लेम कर ले, बेशक ये मजीद थोड़ा नीचे आके फिर पम्प करते हैं, ठीक है। और ये जो मूविंग एवरेज है ये थोड़ा नीचे आए इस वक्त, जब ये ब्रेकआउट करेगा करीब आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डी लेग से रिजेक्शन लेगा 200 की मूविंग एवरेज से, इट विल कम हेयर, इट विल बाउंस बैक अगेन। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसको ऊपर की तरफ जाना, लेकिन ये फ्लक्चुएशंस इसमें आ सकती हैं। ऑलवेज हैव अ विजन, अगर आपका विजन क्लियर है तो इंशाल्लाह चीजें आपके लिए आसान होंगी, ठीक है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। और ये फॉलिंग वेज नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ लिक्विडिटी है, ठीक है ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी के लिए। सो चलें प्रोसीड करते हैं, मैं जरा क्वेश्चंस लेता हूँ फिर वाइंड अप करेंगे इसको। अच्छा मेरे अकॉर्डिंग एंट्री कहाँ बन सकती है, आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो, काइंडली हमसे आप कंफर्म कर दो तो फिर मैं आपको आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। मेननेट जो है, देखें हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक ब्लॉकचेन का अपना एक कनेक्शन होता है, एक गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है, एक प्रॉपर वे ऑफ ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, और द मोर इट गेट्स बेटर, द मोर इट गेट्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हाई, और इस तरह से उस पर फिर डेफिनेटली चीज़ें जो है वो बेहतर होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, और हार्ड फोर्क का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी अपडेट, किसी भी प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी अपडेट जब आनी होती है ना, तो उसको हार्ड फोर्क कहते हैं। आसान में कोई बड़ा इवेंट आना होता है और वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यस प्राइसेस कैन गो अप फ्रॉम हियर। उसमें तो जैसे कि मैं आपको मैट्रिक का दिखाता हूँ, इस पे जाएं, ठीक है सर्च करें, शो नहीं हो रहा जी। आपका कोई सवाल है? ओके चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को। ठीक है तो इंशाल्लाह से प्रोसीड करेंगे सेशन को टू द नेक्स्ट वन। ऑर्डर ब्लॉक कैसे आप फाइंड करते हैं, एफपीजी फाइंड करने में? ओके एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक में दोनों शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। प्रोसीड करते हैं, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक सिंपली वो एरिया है जहाँ से प्राइस ने बहुत स्मूथली पैराबॉलिक मूव आई हो, जहाँ से देखें जैसे कि प्राइस नीचे आई और अचानक से पंप कर गया ऊपर की तरफ, ये हाइस टेस्ट हो गए, ठीक है लेट से मिसाल के तौर पे। और ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है प्राइस ने फिर वहां आना होता है, उस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके प्राइस फिर पैराबॉलिक मूव लेती है, और ये ऑर्डर ब्लॉक एक ही बार वर्क करेगा। इसको मैं आपको लाइव चार्ट पे बता देता हूँ, ठीक है ताकि आपकी क्वेरी जो है वो सही से क्लियर हो जाए। अच्छा जैसे कि अब यहाँ पे देखें, प्राइस आई रुकी, ठीक है थोड़ी सी सस्टेन हुई, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, बेरिश कैंडल है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है ये पैराबोलिक मूव पॉसिबल हुई है, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक ने कैसे वर्क किया, बस यही है ऑर्डर ब्लॉक में और कुछ नहीं है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से वर्क करता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1 आवर चार्ट पे आते हैं, ओके और 1 आवर चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है देखें, ये एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद डायरेक्टली सब बेरिश कैंडल्स हैं और पैराबॉलिक मूव आई है टू द डाउन साइड, और यहाँ पे प्राइस आने के बाद रिजेक्शन डाउन साइड मूव। तो
ये वेरी शॉर्ट ब्लॉक हो गया, सिंपल इज दैट। FVG की मैं आपको थोड़ा सा एलाब्रेशन दे देता हूँ। FVG जो है ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल एंड द थर्ड वन, एक बड़ी कैंडल होगी दरमियान में, ठीक है। और ये जो कैंडल है इसकी विक और इस कैंडल की विक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं ज़रा कलर में डिफरेंस, अच्छा ये जो है फेयर वैल्यू गैप होगा। इट कैन बी बुलिश और बेरिश, और ये किसी भी टाइम फ्रेम पे कहीं भी आ सकता है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक्स ज़्यादा वायबल होते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 आवर टाइम फ्रेम से, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये एक पॉइंट था, मैंने सोचा रिपीट कर दूँ। जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हायर टाइम फ्रेम पे इसलिए ज़्यादा वायबल होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने वहीं पे इंजेक्ट करना होता है। याद रखें ये बात, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ऑर्डर ब्लॉक पे इन्वेस्ट करना होता है, तो वो 5 मिनट पे स्कैल्पिंग तो नहीं करेगा ना, $10 बिलियन के साथ नहीं करेगा ना, बेवकूफ़ी वाली बात है। तो हायर टाइम फ्रेम को टारगेट करेगा डेफिनेटली, तो ये बात है, ठीक है। और FVG किसी भी टाइम फ्रेम पे कहीं भी हो सकता है, और FVG की लॉजिक ही है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? सिंपली वह वो एरिया जहाँ पे एक जहाँ पे पैसा रह गया और उसको जहाँ पे फेयर वैल्यू पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू स्मार्ट मनी पड़ी हुई है जिससे रियलिस्टिकली मार्केट में मूव आती है, उसको FVG कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। होपफुली आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम एंड फी। अच्छा, प्रीमियम को ज्वाइन करने के लिए आपने डिस्कॉर्ड पे या व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। डिटेल्स अगर आपने देखनी है, आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम का एक चैनल है डिस्कॉर्ड में, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। और इसमें आपने ये पोस्ट रीड करना मस्ट है, मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा इसको, द फी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। जो मेन फी होगी वो $25 होगी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट 50 मेंबर्स हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुए, जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो फिर उसके बाद हमारी जो फी होगी वो हो जाएगी 25, और जो फर्स्ट 50 मेंबर्स हैं उनके लिए $15 अ मंथ, लाइफ टाइम वो यही पे करेंगे, ठीक है। ये हमने अपनी कम्युनिटी में वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह से ज़्यादा फी, उनके लिए रखा है। और अगर एक ट्रेडर है तो $15 या $25 इज नथिंग। अगर आपका पोर्टफोलियो $1,000 है, आपके पूरे कैपिटल का 2.5% बन रहा है वो, और वो तो आप एक ही ट्रेड में मेरी मेरी नज़र में कर लेते हो उसको, वो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है। फी आपकी रिकवर करना, तो बस यही है, दैट्स इट जी। एनी क्वेश्चंस? और जो भी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, सब याद रखें कि प्रीमियम इज नॉट अ सिग्नल ग्रुप, ठीक है। हमारा फोकस 70% वहाँ भी जो है एजुकेशन पे है, ये जहन में आपने रखना है, ठीक है, ताकि हमारी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके लिए। मैट्रिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हमजा आपने देखा, मैट्रिक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है हायर टाइम फ्रेम पे कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अपसाइड मूव अभी भी आ सकती हैं, इंट्राडे पे मैं देखता हूँ, ठीक है। मैट्रिक बिटकॉइन को जहन में रखते हुए लॉन्ग बन रहा है इसमें, ओके। बिटकॉइन को जहन में रखते हुए इसमें एक अच्छा, एक हेल्दी लॉन्ग बन रहा है, यस बिल्कुल, ठीक है। और इसको मैं जरा मूविंग एवरेजेस के साथ भी देख लेता हूँ, नीचे आएगा थोड़ा सा मजीद इंटरनली, ठीक है। अभी फिलहाल रीटेस्ट करेगा यहाँ पे, रीटेस्ट करेगा इस एरिया को, फिर रिजेक्ट होगा, गोल्डन पॉकेट पे आएगा, इस FVG को फिल करेगा, ओके। और इस FVG को फिल करने के बाद इसमें जो है अपसाइड रैली आएगी, वो कितनी होगी वो मैं बता देता हूँ। एक ट्रेड इसमें बन रही है मोस्ट प्रोबेबली, ये हाइस, ये जो शॉर्ट्स हैं इसको स्वीक, इसका स्क्वीज बनता है, ठीक है। और ये हाइस तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसको टू गो 1.16, ज़्यादा नहीं, ठीक है।
ग्रीड नहीं करना, लालच नहीं करनी। स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं उससे पहले ज़रा टारगेट रख लें और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 886 का 50%, 1:3 के प्लस, 1:3 एवरेज बन जाएगा टेक प्रॉफिट के बाद। ठीक है, ये ट्रेड बन रही है, प्रोबेबिलिटी है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग बट पॉसिबल है, अर्ली चार्ट है, स्विंग है छोटी सी, ठीक है, दो दो दिन चल सकती है ये। सो या काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है। जी एनी क्वेश्चंस? ओके लेट्स सी, देख लेते हैं एलआईटी। ओके असल में इसको मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया हुआ, इसका एल्गोरिथम थोड़ा सा मैं देख रहा था। टू मी इट लुक्स लाइक के सब ऑल्ट्स में ना एक रिलीफ आने वाला है डोमिनेंस की वजह से, अगर बिटकॉइन कंसोलिडेट करता है एक ही कंडीशन में, अगर बिटकॉइन कंसोलिडेट करता है और ये रिलीफ आने के बाद फिर से एक रेंज बन जाएगी, ठीक है, और वो रेंज कॉज करेगी इस तरह से मूव, और ऊपर की तरफ ये जा सकता है स्विंग में, यस जा सकता है। सी टू डी इसको ट्रेड करना चाहिए था, यहाँ पे इस पुल बैक में एंट्री बन रही थी इसकी इंटरनली, अगर हम देखें ना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसके बाद एक इस पुल बैक के बाद एंट्री बन रही थी गोल्डन पॉकेट पे मोस्ट प्रॉबली, ठीक है। सो मिस हो चुकी है एंट्री, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं इसको इंटरनली। लिक्विडिटी जहाँ तक बात है तो इसने काफ़ी स्वीप कर लिया, आप अगर इंट्राडे की बात कर रहे हो ना तो अभी पंप कर सकता है यहाँ से इंट्राडे पे भी, क्योंकि इसने जाना है बिगर पिक्चर पे, तो मेरे थॉट्स बुलिश हैं इस पे, बस दैट्स इट फॉर नाउ, होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा। चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को, ठीक है। अच्छा क्रिप्टो में सेशन, अच्छा क्रिप्टो में आप पूछ रहे हो कि जैसे कि फोरेक्स के सेशंस होते हैं, बाकी सेशंस होते हैं, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, तो बिल्कुल वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि टाइप तो वही है ना। अब ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? वही बंदा है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे और फॉरेक्स से वो क्रिप्टो की तरफ भी आ गया, तो वो मेथड तो फॉलो होगा, वर्क करते हैं, और टाइम के साथ मजीद मेच्योर होगा ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है, विद एक्सपीरियंस टाइम के साथ ये चीज़ मजीद मेच्योर होगी होपफुली। सो या काइंडली कंफर्म कर दें सबकी क्वेरीज क्लियर हैं यहाँ तक, किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। ओके तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने कवर की माशाल्लाह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो एजुकेशनल सेशन होगा वो मैं कोशिश करूँगा, कम्युनिटी लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, एक एजुकेशनल सेशन मैंने रखना है, उसमें हम सिर्फ Q&A रखेंगे, नो मार्केट एनालिसिस, और जिनकी जो भी क्वेरी है TA के रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड, इंशाल्लाह वो कवर करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जैसे कि मेरी कमिटमेंट रही है आप सबसे शुरू से, कि जब जब आप जिस चीज़ के लिए रेडी होगी वो मैं इंशाल्लाह से रिवील करूंगा और आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो इट्स अ प्रोसेस, टाइम लेती हैं चीज़ें, बाकी होपफुली सब क्लियर होगा, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, काइंडली कंफर्म कर दें फिर वाइंड अप करते हैं बस।
ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और सलाम, जजाकल्लाह खैर।